हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इसके पहले पार्ट नंबर 1 हम लोग ने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा और एकदम डीप में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारा सेल क्या होता है, फिर क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, मेंडेल ने कौन कौन सी चीज़ें बताई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें, कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने, बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन की मीनिंग एकदम डीप में विद एकदम बहुत अच्छे से हमने समझा था। सो प्लीज ये वीडियो का पूरा बेसिक पार्ट है जो वो इसके पहले वाले वीडियो के पार्ट में है, बिकॉज वहां पे जो भी चीजें हैं ना, तो वहां पे आप लोग को 11th के सारे बेसिक कंसेप्ट की चीजें पता चलेंगी। जो 11th का बेसिक कंसेप्ट है वो हमने इसके पहले की वीडियो में कवर किया था। सो जिसने वॉच किया होगा उसका तो उसे तो पता ही होगा और उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिएगा जी, स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग आगे। ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है, ये जीनोटाइप लिखा है और ये फिनोटाइप लिखा है। ठीक है, पीएच है और ऊपर जीई है, जीनोटाइप। इतना आप समझ सकते हो, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, चलो हम लोग इसकी अभी कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। इसका जो कंसेप्ट है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, ध्यान देना अच्छे से। जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब रेशियो यहाँ पे बोला है। जीनोटाइप का मतलब हम जानते हैं। जीनोटाइप देखो, सपोज अगर मैंने बोला कि साइज ऑफ प्लांट। ठीक है, अगर मैंने बोला साइज ऑफ प्लांट, देखो क्या बोलोगे आप, या तो टॉल बोलोगे या तो आप डॉर्फ बोलोगे। ठीक है, और टॉल के लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं, डॉर्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज करते हैं। सो जो ये टॉल है ना, ये टॉल और ये डॉर्फ जो लिखा है, ये ऐसा लिखा हुआ है कैरेक्टर, ये हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया, हमने बाहर से देख के, फिजिकली हमने देख के बताया। तो ये हो गया अपना फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक यहाँ पे टर्म हो गया। ठीक है, अभी रेशियो की बात नहीं करूंगा, जो रेशियोन है या फिर रेशियोज है इनकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, मैं जस्ट अभी एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया फिनोटाइप। फिर इसका ये जीन्स है, जो टी होता है ना स्मॉल टी, इसे हम गैमेट्स कहते हैं, और ये क्या है अपना जीन्स है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, जीनोटाइपिक कंडीशन से, ये जीनोटाइपिक चीज है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगर रेशियोज बोला है, सो हमें पता करना है, सपोज F2 जनरेशन है और यहाँ पे कोई चीजें बनी, तो हम F2 जनरेशन हमेशा किस में दिखाते हैं, पनेट स्क्वायर में। ये भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। सो सपोज मान लो यहाँ पे T है, यहाँ पे स्मॉल t है, यहाँ भी T है, यहाँ स्मॉल t है, ऐसा कुछ है। ठीक है, सो अभी क्रॉस करेंगे तो इसका इसका क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल T फिर कैपिटल T स्मॉल t फिर कैपिटल T स्मॉल t, इन दोनों का आएगा। फिर यहाँ पे देखो स्मॉल t आ गया। तो रेशियो क्या बना, अब ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो गया, ये है टॉल, ये भी है टॉल, ये भी है टॉल। ठीक है, और ये क्या है, डॉर्फ है। ठीक है, सो एकदम कैपिटल टी वाले टॉल कितने हैं, 1 है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अभी मैं जीनोटाइपिक देख रहा हूँ, ये टीटी देख रहा हूँ ना, टीटी वाले क्या होते हैं, जीनोटाइप होते हैं, तो इनका रेशियो बना रहा हूँ। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1 है। सो 1:2, 2:1, ये बन गया जीनोटाइपिक रेशियो। अब चलो हम लोग फिनोटाइपिक की बात करते हैं। सो ये क्या है, ये है अपना टॉल, फिर ये क्या है, ये भी है अपना टॉल, फिर ये क्या है, ये भी है अपना टॉल। ठीक है, फिर ये क्या है, ये है अपना डॉर्फ। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जो ये टॉल है इसका गैमेट्स देखो एकदम अलग से है, इसके टॉल गैमेट्स एकदम अलग से हैं। सो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल कितने हैं, टोटल 2 हैं, और कैपिटल टी वाले टॉल कितने हैं, 1 है, फिर स्मॉल टी वाले कितने हैं, ये भी 1 है। सो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो भी 1 है। समझ आए, 1:2:1 है, समझा कि नहीं अच्छे से। सो ऐसे होते हैं फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे आगे के मतलब स्लाइड्स में। ठीक है, तो देखो चलो आगे बढ़ लेते हैं। आप इसे रीड कर लोगे, मैं रीड नहीं करने वाला हूँ, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। चलिए अभी हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। और फिर है दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, बहुत आसान सा है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ों के बारे में पढ़ के। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब डिफरेंट कैरेक्टर। सपोज यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ स्मॉल टी रहेगा, ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है कि क्रॉस बिटवीन ओनली 1 पेयर, ओनली पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी मैं इसको इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा। देखो, तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ जिसका भी क्रॉस होता है उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। चलो तो अभी हम इसे समझते हैं कि बोल क्या रहा है ये। सो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ध्यान देना अच्छे से। पेयर है, ये दोनों पेयर है कि नहीं है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, बट दोनों कैसे है, कॉन्ट्रास्ट है। एक कैसा है, ये टॉल है, और ये कैसा है, डॉर्फ है। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है कि नहीं है, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए और ये सारे के सारे पेयर में है। सो जब पेयर और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस होता है सो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, कभी भी याद रखना अच्छे से, डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होता है इसमें 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज होता है, मतलब 2-2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं अब भी आपको जस्ट फट से दिखाता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलने का मतलब है कि देखो ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, और ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। सो यहां पे कैपिटल आर ये स्मॉल स्मॉल आर का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। सो देखो कितने पेयर है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 2 पेयर, और दोनों पेयर एक दूसरे के कैसे है, कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट, अपोजिट है, उल्टा है, डिफरेंट है, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये चीजें याद रखना, और इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो इसे हम डाई हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सो डाई हाइब्रिड में क्या रहेगा, डाई हाइब्रिड में 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहेंगे, और मोनोहाइब्रिड में यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहेगा। ये होता है अपना क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यहाँ पे क्रॉस होता है, और डाई हाइब्रिड में 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस होता है। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब यहाँ रीड कर लेना, आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये बातें ध्यान देना अच्छे से। चलिए अभी हम यहाँ पे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो देखो यहाँ पे पहला, यहाँ पे अपना एक यहाँ पे कैरेक्टर है जो कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है। अब देखो जो आपको ये चीज़ दिया है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से बगल में दिखाया भी है सॉल्व करके। अब आप बोलोगे कि ये डायग्राम कहाँ से मिली, तो आपने इसे कहीं ना कहीं तो देखा होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा कि ये 9th का है। जो ये डायग्राम है पूरी, ये 9th स्टैंडर्ड से है, और ये आपको एक्टिविटी 12th में दिया है। अब आप सोचो कि हम लोग 9th का पढ़ रहे हैं, सारी चीजें ये 9th में, सारी चीजें जो आपको 12th में दिया है ये आपको 9th में आना चाहिए। और मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूं क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सो याद रखना हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस होता है। तो सिंगल पेयर का मतलब देखो, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर है, दोनों सिंगल पेयर, इनके बीच में क्रॉस। तो ये कैपिटल टॉल, जो कैपिटल टी है, ये टॉल हो गया, और स्मॉल टी ये डॉर्फ हो गया। ये हो गया इसका फिनोटाइपिक, और ये हो गया जीनोटाइप। समझा कि नहीं। फिर इनसे एक एक गैमेट आएगा, क्योंकि ये देखो ये गैमेट कैसा है, 2n है, यानी डिप्लॉइड 2 है। तो अगर गैमेट रहेगा तो गैमेट हैप्लॉइड रहता है ना, तो देखो एक एक आ गया। फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस कर दिया, तो ये जब पहला क्रॉस होता है इसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं, इसके पहले ही पढ़ा था। फिर अगर हमें सेकेंड फीलियल जनरेशन चाहिए होता है तो सेकंड पेरेंटल जनरेशन को ये जो भी फर्स्ट फीलियल में मिला है इसका हम सेल्फिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसका सेल्फिंग, यानी कि इसी को 2 बार खुद से क्रॉस करा देते हैं। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर आया है सो इसी को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से क्रॉस कर देंगे। समझा कि नहीं। देखो यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, सेम एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। तो अब इसका जो सेकंड जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने को पनेट स्क्वायर में मिलता है, और इस जनरेशन को हम सेकंड फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो कभी भी याद रखना, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन होती है वो डायरेक्ट पेरेंट से आती है। सेकेंड फीलियल जनरेशन जो पहला वाली जनरेशन थी, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसी के सेल्फिंग से मिलती है, उसके सेल्फिंग से सेकंड फीलियल जनरेशन मिलती है, और उसे हम पनेट स्क्वायर में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो कैसे करेंगे, पहला वाले का यहाँ पे देखो, पहला वाला यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया, फिर देखो सेकंड वाला भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया, फिर इन दोनों का क्रॉस कर दिया। देखो अच्छे से यहाँ पे इनका क्रॉस कर दिया। ठीक है, सो देखो पहला टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, बट देखो जीनोटाइप्स इनके क्या है, इनके जीनोटाइप डिफरेंट है, और ये डॉर्फ है। ठीक है, सो रेशियो कैसे बनेगा, 1:2, और ये दोनों कैसे है, 2 है, और ये 1:2, 2:1। तो जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दोनों सेम होता है। ठीक है, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो जो है ये भी कितने हैं, यहाँ पे देखो तीन टॉल है, लेकिन ये दोनों टॉल कैसे है यार, डिफरेंट है ना, इनका जीन्स अलग है। सो 1:2, 2:1 ये हो गया, और जीनोटाइपिक भी क्या रहेगा 1:2, 2:1 रहेगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग यहाँ पे जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो इसे 3:1 भी लिख सकते हैं। वाई 3:1 लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम सिर्फ उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें टॉल टॉल की, तो यहाँ पे 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, इसके लिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 3:1 आएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। और जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम लोग जीन्स की बात करें तो यहाँ पे 1:2, 2:1 आएगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। ये था अपना यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस बिटवीन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2-2 पेयर के साथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, हमने देखा था अच्छे से कि कैपिटल आर मतलब राउंडेड ये सीड का अपना यहाँ पे जो शेप होता है वो बताता है, और कैपिटल वाई कलर बताता है सीड का। सो राउंडेड एंड येलो सीड, और यहाँ पे रिंकल्ड स्मॉल आर और ग्रीन मतलब स्मॉल वाई, तो ये दिखाता है। मैंने इसका पहले वीडियो में आपको दिखाया भी था, आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज़ नहीं दी थी तो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे आपको उसे याद करना था वो सब पहला वीडियो में बताया था। आप प्लीज़ जाओ नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहाँ से आप उसे प्लीज़ एंड प्लीज़ जाके वॉच कर लो। ओके, सो चलिए अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसके बारे में समझते हैं। सो जब इससे यहाँ पे 2 पेयर है ना, तो 2 पेयर से 1 पेयर क्या आएगा अपना गैमेट। देखो 1 पेयर गैमेट आ गया, इन दोनों का क्रॉस किया तो अपने को ये मिला। हमेशा आर के साथ आर लिखने का, वाई के साथ वाई लिखने का, और पहले हमेशा कैपिटल में कोई भी चीज़ आनी चाहिए। अगर सपोज आपके पास एक आर है और आपके पास एक कैपिटल वाई है, आपके पास एक स्मॉल वाई है और एक स्मॉल आर है, सो कभी भी कैसे लिखोगे, पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। समझा कि नहीं, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे लिखने का तरीका आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो भी यहाँ पे मिले इसे तो हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, जो कि राउंड येलो सीड है। फिर हमें अगर सेल्फिंग करेंगे तब जाके अपने को सेकंड फीलियल जनरेशन मिलेगी, जो कि हम इसे पनेट स्क्वायर में दिखाएंगे। तो इसका हमने सेल्फिंग कर लिया, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कैसे आता है इसको हमें समझना है, बिकॉज यही सबसे हार्ड होता है, यही बच्चे नहीं समझ पाते और डाई हाइब्रिड क्रॉस छोड़ देते हैं। बिकॉज यहाँ तक तो आपको सब समझ जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन तक आपको सब समझेगा, लेकिन आगे जब हम सेल्फिंग करते हैं तब हमको प्रॉब्लम होती है। तो एज जैसे कि हमने अभी किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, कि पहले हमने निकाला गैमेट्स, फिर इसका हमने किया क्रॉस, अपने को मिला ये वाली चीज़ें। इसका मिलने के बाद अगर हमको सेकेंड फीलियल जनरेशन चाहिए तो हम करेंगे उसका क्रॉस। क्रॉस करने के बाद हम देखो अब कैसे आगे इसका सेकंड फीलियल के लिए गैमेट बनाएंगे। तो अच्छे से याद रखना, ध्यान दो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो जो ये आर है, ये पहले आर को चूज करो और इस आर को यहाँ के वाई से पहले रिलेट करो। देखो पहला वाला आ गया, समझा कि नहीं। फिर इसी आर को दूसरे वाई से रिलेट करो। देखो आर वाई ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी क्या करो, दूसरा आर पकड़ो, ये स्मॉल वाला, और इसके कैपिटल वाई से रिलेट करो। देखो ये मिल गया। फिर इसी स्मॉल आर को इसके स्मॉल वाले वाई से रिलेट करो। देखो फिर से ये आ गया, समझा के लिए अच्छे से। अब ऐसे ये पहले का काम खत्म हो गया, समझा होगा आपको अच्छे से, आपको अभी ये सारी चीज़ें समझ गई होंगी। ऐसे ही अभी हम सेकंड का देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम पकड़ेंगे, इस अपने आर को, इस आर को पकड़ो और यहाँ पे जाओ इस वाई के पास। फिर इसी आर को पकड़ के रखो और जाओ स्मॉल वाई के पास। फिर अभी बात करते हैं स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर को पकड़ो और जाओ यहाँ पे कैपिटल वाई के पास। तो देखो ये मिलेगा, फिर ये मिल गया, ये मिल गया। फिर अगर ये चाहिए तो ये भी स्मॉल आर के लिए वाई के पास जाओ। तो ऐसे करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, गैमेट्स मिल जाएगा। ऐसा क्रॉस होता है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे मिला उसे ऊपर लिख दो, जो भी यहाँ पे मिला उसे नीचे लिख दो, कैसे भी लिखोगे वो आपके ऊपर है। फिर इनका इनका क्रॉस कर दो फटाफट, ऐसे ऐसे, इसका इसके साथ पूरा यहाँ पे क्रॉस कर दो, फिर ये आएगा, फिर ये भर दो पूरा, ठीक है। तो अभी आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ये आपको अभी समझा होगा अच्छे से। ये भी आपके 9th से है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड, सोच लो, ठीक है। तो ये है राउंड येलो सीड, देखो एग्जैक्ट चीज़ दिया है। यहाँ पे देखो इसके आगे गैमेट्स, गैमेट्स का हुआ क्रॉस, क्रॉस करने के बाद देखो सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। देखो यहाँ पे 2 बार सेल्फिंग कर दिया क्रॉस करने के लिए। देखो यहाँ पे अपने को गैमेट्स मिल गया, ये गैमेट्स और ये गैमेट्स। इसको लिख दिया हमने इस साइड और इसको लिख दिया हमने इस साइड। देखो दोनों का करेंगे क्रॉस, तो पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा। और स्टार्टिंग में क्या मिला था, राउंड येलो सीड मिला था। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने चांसेस हैं। अब ये क्या शो करता है, ये अपने को चांसेस शो करता है कि इतने सारे कैरेक्टर वाले प्लांट अपने को मिल सकते हैं, इतने सारे। अगर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, फिर ऐसे ट्राई हाइब्रिड होता है, ठीक है, तो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो इतने सारे चांसेस अपने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स को पाने के। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस स्क्वायर को हम पनेट स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, हमेशा हम लोग इसे पनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आपने यह भी सब जान लिया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड में क्या होता है। मोनो हाइब्रिड में सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और डाई हाइब्रिड में देखो यहाँ पे दो पेयर, एक पेयर में दो चीज़ें होती हैं, याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे दो पेयर है। ठीक है, चलो अब हम लोग मेंडेल के, यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। मेंडेल के हम लोग सारे के सारे तीनों लॉ के बारे में देखेंगे, और ये जो तीनों लॉज हैं कोई एक एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। डेफिनेटली बोलने का मतलब है 100% अश्योर के साथ कह रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में तो पक्का आने ही वाला है। ठीक है, याद रखो अच्छे से। चलो तो अभी हम इसमें से तीनों लॉ पढ़ेंगे। तीन लॉ होते हैं मेंडेल्स के, इनहेरिटेंस के तीन लॉ मेंडेल ने बताया था, ग्रेगर जोहान मेंडेल इनका पूरा नाम है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये सारी चीज़ों के लिए आपके लिए मैंने नोट्स क्रिएट किया है, आप इसे पढ़िए। मैं आपको जस्ट स्टेटमेंट पढ़ के और इसको मीनिंग आपको बताता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगी, या तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप फटाफट समझते जाओ। ठीक है, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी अगर सपोज देखो एक आपके सामने कैरेक्टर है, सपोज ए, ठीक है, और बी, ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ से आया, फादर से आया है। ठीक है, ये फादर से आया है और ये चाइल्ड यहाँ तक आना है। ठीक है, एक ए जो कैरेक्टर है ये टॉल है और जो बी कैरेक्टर है ये डॉर्फ है, मान लो, ऐसा मान लो, हम कैपिटल टी स्मॉल टी भी ले सकते थे, अपने ऊपर है। ठीक है, ये ऐसा कैरेक्टर है। ठीक है, चलो तो जो चाइल्ड आया, चाइल्ड में टॉल वाला कैरेक्टर यानी कि ए क्या हुआ, आगे दिख गया क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, यानी कि जो टॉल बन गया यानी उसकी हाइट बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फादर से टॉल और डॉर्फ दोनों आया था, तो फिर भाई डॉर्फ वाला किधर गया, सिर्फ टॉल वाला आया ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो डॉर्फ वाला था ये क्या बन गया, रेसेसिव बन गया। क्या बन गया, रेसेसिव बन गया। और जो डॉर्फ वाला है, ये जो टॉल वाला है, ये क्या बन गया, डोमिनेंट बन गया। क्या बन गया, डोमिनेंट। तो यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ही लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या मेंडल ने बताया कि जब कभी भी पेयर ऑफ कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में जाते हैं तो उसमें से कोई एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है या अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और दूसरा वाला सप्रेस हो जाता है यानी कि रेसेसिव बन जाता है। किसमें, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, यानी कि जो फादर के बाद डायरेक्ट जो चिल्ड्रन आता है वो अपना पहला फीलियल हो गया, फिर जो चिल्ड्रन के बाद वाला है वो सेकंड फीलियल जनरेशन हो गया। समझा कि नहीं अच्छे से? तो यस, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है उसमें क्या होगा, हमेशा एक जो पेयर रहेगा ना यानी कि उसका डोमिनेंसी होने ही वाली है, क्योंकि दूसरा तो सप्रेस होएगा ही। अगर या तो फिर डॉर्फ वाला आएगा तो फिर टॉल वाला गायब हो जाएगा, तो एक ना एक ऐसा रहने ही वाला है। यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे अच्छे से आपको याद रखना है। और यही चीज़ है, यानी कि एक डोमिनेंट होगा और या एक रेसेसिव होगा, बट हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, तो ये था इसका कंसेप्ट, आप इसे याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन के बारे में। बहुत ही अच्छा लॉ है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखो सेग्रीग्रेशन का मतलब क्या है कि देखो ये नॉर्मली जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, अपने अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तभी होता है। और गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है ना, यहाँ पे देखो डिप्लॉयड सेल अपने बॉडी में होते हैं, तो ये कन्वर्ट होते हैं हैप्लॉयड में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, ये हैप्लॉयड में, हैप्लॉयड एन में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ध्यान रखना। वाई विच सेल डिवीजन, वाया मियोसिस, ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, मियोसिस से ही डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड बनते हैं। इसी टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जीन्स या जो अलील्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेग्रीगेशन के टाइम पे मिक्सिंग नहीं हो पाते, मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ब्लेंडिंग, यानी दो अलील्स का जब देखो सेग्रीगेशन होता है, देखो जब डिप्लॉइड है भाई, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो जब डिवाइड होता है तो ये मिक्स नहीं होते, यानी ब्लेंड नहीं होते इसके अंदर के जो क्रोमोजोम्स है। अभी कितने क्रोमोजोम है, 2n मतलब 46 हो गए, ठीक है। सो ये 46 जब 23 में डिवाइड होगा, सेग्रीग्रेट होंगे, सेग्रीग्रेट मतलब डिवाइड होना होता है, ठीक है। तो जब सेग्रीग्रेट होंगे तो ये एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, ये ब्लेंड नहीं होते हैं, ये अपने जितने भी अलील्स हैं ये सब के सब एक साथ पूरे के पूरे नेक्स्ट जनरेशन में एकदम सेग्रीग्रेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, समझा कि नहीं। यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है और भी अच्छे से मैं चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन होता है ना, ये मोस्टली अगर सपोज मिक्स नहीं हुआ है तो कोई ना कोई एक जो अपना क्रोमोजोम है या एक जीन्स है वो तो दूसरे बॉडी में एक्सप्रेस हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो गैमेट्स होगा या तो वो डोमिनेंट वाला चीज को अपने पास रखा होगा या तो रेसेसिव वाली चीज को रखा होगा। मान लो, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लो कि कैपिटल T स्मॉल t किसी फादर के अंदर था, जो कि ये क्या है अभी 2n यहां पे अपना डिप्लॉयड है। ये हुआ सेग्रीगेट, मिक्स हो रहा है क्या कि टॉल और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ मिक्स हो जाए, और ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो ज्यादा बड़ा होगा या तो ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। या तो अभी मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल की तरफ से जो भी होगा वो बात की बात है, ठीक है। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। सो अगर मान लो कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं और ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, ब्लेंड नहीं होंगे, तो ये अलग अलग डिवाइड होंगे। तो या तो एक कैपिटल टी आएगा या तो एक स्मॉल टी आएगा। ये पहला गैमेट हो गया, ये दूसरा गैमेट हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि ये भी तो गैमेट है, ये भी गैमेट है। अब अगर ये कैपिटल टी वाला गैमेट फर्टिलाइजेशन के लिए गया, सो इससे क्या होगा, जो चाइल्ड होगा वो टॉल रहेगा, और अगर स्मॉल टी गया तो चाइल्ड अपना स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा हाइट में, समझा कि नहीं अच्छे से। तो यहां से क्या देखने मिला कि एक बार में एक गैमेट या तो डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कैपिटल टी या तो फिर रेसेसिव कैरेक्टर या तो यानी कि स्मॉल टी, किसी ना किसी एक को रखेगा। अगर कैपिटल टी आगे आ गया तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, अगर स्मॉल या फिर कैपिटल टी या स्मॉल टी कोई भी आया तो वो डोमिनेंट है, और जो छुप गया, जो सप्रेस हो जाएगा कैरेक्टर, वो अपना रेसेसिव होगा, ठीक है। मतलब अगर स्मॉल टी आया ही नहीं किसी चाइल्ड में तो वो रेसेसिव हुआ ना, मतलब किधर गया वो फिर नहीं आया तो सप्रेस हो गया, और अगर कैपिटल टी आ गया तो वो डोमिनेंट हो गया, अगर स्मॉल टी आता तो ये डोमिनेंट हो जाता और स्मॉल टी यहाँ पे सप्रेस हो जाता, समझा कि नहीं, वो रेसेसिव बन जाता। तो एक बार में जो गैमेट्स होते हैं सेग्रीगेट होने के बाद या तो वो डोमिनेंट कंटेन करेंगे या तो रेसेसिव कंटेन करेंगे, बट एक साथ दोनों कंटेन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि जो अपना चाइल्ड होगा ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा होगा, ऐसा नहीं होता है, या तो वो बड़ा ही होता है या तो वो छोटा ही होता है, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग फटाक से, क्योंकि आपको एग्जाम में भाई स्टेटमेंट ही तो लिखनी है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो जब कभी भी हाइब्रिड यानी कि F1 फॉर्म्स होता है गैमेट्स में, तो गैमेट्स हमेशा F1 जनरेशन में ही बनती है, ठीक है। तब क्या होता है कि जो अलील्स होते हैं यानी कि अलील्स क्या होते हैं, जीन्स के वन और मोर फॉर्म्स, अलग अलग जीन्स के टाइप्स, यही होते हैं अलील्स। तो ये क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड इंटर इन डिफरेंट गैमेट्स, वही चीज है। मतलब बोलने का मीनिंग क्या है कि देखो सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये एक अपना है 2n डिप्लॉयड क्रोमोजोम, तो इसके अंदर से ये एक यहाँ पे जो गैमेट बन रहा है तो ये सेग्रीगेशन इसका हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो अलील्स हैं ये भी क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, और ये कहाँ जाएंगे, अलग अलग टाइप के गैमेट्स में चले जाएंगे। सपोज गैमेट टी है ये और ये स्मॉल गैमेट है, तो जो अलील्स होंगे ना क्रोमोजोम के अंदर, जो अलील्स होते हैं वो अलील्स या तो स्मॉल टी वाले गैमेट में आएंगे या तो कैपिटल टी वाले गैमेट्स में इंटर कर जाते हैं, समझा कि नहीं। यही चीज़ होती है स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये चीज़ याद रखना कि या तो वो डोमिनेंट होगा या तो वो रेसेसिव होगा, कैसे मैंने बता दिया है, क्योंकि एक बार में दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं, एक ही होगा, या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव, यानी कि या तो टॉल, अगर टॉल आया तो टॉल डोमिनेंट बन जाएगा, या अगर समझ लो स्मॉल टी आया तो वो डोमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये असॉर्टमेंट का, ठीक है। ये हमेशा किसमें होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही होता है, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है जेनेटिक्स का, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब मेंडेल ने इसे बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल बताया है जो जेनेटिक्स का होता है। और असॉर्टमेंट के टाइम पे क्या होता है कि देखो डोमिनेंसी में हमने देखा कि कोई ना कोई एक डोमिनेंट रहेगा, जो सामने आएगा वही डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो एक्सप्रेस कर दिया वो डोमिनेंट, जो सप्रेस हो गया वो रेसेसिव। फिर ठीक है, हमने देखा कि सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो भी गैमेट्स हैं वो अपने आप को हाफ हाफ फर्टिलाइजेशन में, गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के पहले जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसमें ही अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं और या तो एक बार में डोमिनेंट कैरेक्टर या तो रेसेसिव कैरेक्टर अपने पास कंटेन करते हैं। ये हमने देखा सेग्रीगेशन में। अब हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो असॉर्टमेंट में क्या होता है, एक साथ कंबाइन होने की बात होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान देना अच्छे से, फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो गैमेट बने थे ये दोनों क्या होंगे, वापस से कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं। तो अब इस टाइम पे देखो ध्यान से क्या होगा। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे जो डोमिनेंट है, रेसेसिव है, ये गैमेट्स यहाँ पे कोई भी एक आया होगा और यहाँ से फीमेल की तरफ से भी वैसे ही हुआ होगा। तो अब कौन सा वाला यहाँ पे क्रोमोजोम, कौन सा वाला अलील, मेल का या फीमेल का, या डोमिनेंट वाला या रेसेसिव वाला, कौन सा यहाँ पे असॉर्ट होगा, समझा कि नहीं? इसकी स्टडी हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में करते हैं। और जो यहाँ पे क्रोमोजोम्स होता है ये इंडिपेंडेंटली, किसी बिना किसी के कुछ कहे ना किसी के इफेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाए, वो असॉर्ट हो जाए, एक साथ कंबाइन होकर जाइगोट बना दे और फर्टिलाइजेशन हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जो जीन्स होता है उसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, बिकॉज जो भी असॉर्टमेंट होता है ये इंडिपेंडेंटली होता है, कोई भी बाहर का इसमें इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ना कोई हार्मोनल इफेक्ट होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी में होता है, यूटेरस की वॉल में होगा, ये हमने सब पढ़ा है, बॉडी में, मदर की बॉडी में होगा। बट जो क्रोमोजोम में वहां पे मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे क्रोमोजोम में जो ब्लेंडिंग हो रही है क्रोमोजोम में असॉर्टमेंट के टाइम पे, ठीक है, तो वहां पे उस टाइम पे जो मिक्सिंग हो रही है, जो मेल और फीमेल क्रोमोजोम गैमेट्स के अंदर स्पर्म का जो मिक्सिंग हो रहा है, उस टाइम पे क्रोमोजोमल मिक्सिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ठीक है, तो वहां पे अलील्स जो होते हैं, यानी कि जो जीन्स होते हैं, वो रैंडमली जैसा उनकी मर्जी वैसा यूनाइटेड होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कंक्लूजन मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया है, कंक्लूजन प्लीज एक बार पढ़ लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि टू कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली गिविंग राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यानी कि जो सपोज यहाँ पे एक मेल गैमेट है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट में या तो डोमिनेंट आया होगा या तो रेसेसिव वाला आया होगा, और फीमेल में भी या तो डोमिनेंट आया होगा या रेसेसिव कैरेक्टर आया होगा, और इन सब का एक गैमेट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो ये यहाँ पे होना तो एक का ही है, या तो डी और आर, या तो यहाँ पे डी और आर, किसी का भी हो सकता है, या तो डी 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 डी, या तो आर आर आर, रेसेसिव रेसेसिव, या डोमिनेंट डोमिनेंट, या डोमिनेंट रेसेसिव डोमिनेंट रेसेसिव, कैसे भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। बट ये कॉम्बिनेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली कैसा भी चाहेंगे अपना क्रॉस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो भी क्रिएट होगा वो कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, चाहे तो डी आर का बन जाए, चाहे डी 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 का बन जाए, चाहे आर 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 बन जाए, वो उनके ऊपर है। डोमिनेंट डोमिनेंट, रेसेसिव रेसेसिव, कुछ भी कंबाइन हो बट वो इंडिपेंडेंटली होगा। समझ रहे कि नहीं अच्छे से, किसी का यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे जेनेटिक अच्छाई हो बुराई हो, सारी चीजें इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बिकॉज सारी चीजें इंडिपेंडेंटली होती है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, यही था इसका बेसिक कंसेप्ट। चलिए, अब हम डिटेल में जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्रॉस के बारे में, यानी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो मैंने पढ़ाया है तो पढ़ोगे ही ना फर्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे और हम लोग क्रॉस करके भी देखेंगे सारी चीज़ों का। ठीक है, तो चलिए भाई फिर देख लेते हैं फटाफट, क्रॉसेस करके फटाफट हम लोग इनको समझेंगे, डिटेल में बताऊँगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो जो बैक क्रॉस होता है ये क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सारी चीजें समझेंगी। देखो, तो कभी भी F2 प्रोजेनी पाने के लिए, जो F2 प्रोजेनी होती है यानी कि सेकंड फीलियल जनरेशन पाने के लिए जो जनरेशन होती है ना, गॉट इन F1 जनरेशन आर सेल्फ्ड क्रॉस। पहली बात तो ये आप जानते हो। ठीक है, मतलब अगर सपोज जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में मिला है चीजें, वो अगर हमको F2 चाहिए, बोलने का मीनिंग क्या है ध्यान देना, अगर हमको सेकंड फीलियल जनरेशन यानी कि पनेट स्क्वायर वाली चीजें अगर हमको चाहिए, ठीक है, तो हमें पहले फर्स्ट फीलियल जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करना पड़ेगा। समझा कि नहीं क्या बोला मैंने? ये चीज तो हम जानते हैं, मोनोहाइब्रिड में भी देखा है और हमने डाईहाइब्रिड में भी देखा है। ठीक है, चलो आगे देखना। तो बैक क्रॉस क्या होता है फिर? तो बैक क्रॉस ये होता है कि कभी भी जो दे कैन ऑल्सो बी क्रॉस्ड, यानी कि जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है ये खुद में क्रॉस ना करके ये क्रॉस कर सकता है विद वन ऑफ टू पेरेंट्स, वापिस पेरेंट के साथ ही क्रॉस कर सकता है, फ्रॉम विच दे वेयर डिराइव्ड। अब देखो बोल क्या रहा है, समझ लो कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों अपने मोनोहाइब्रिड में यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। देखो ये सिंगल पेयर, ये भी सिंगल पेयर, और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, एक टॉल है एक डॉर्फ है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे टी आ गया, इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को? टी टी मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपनी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये क्या थे? ये थे पेरेंट थे। ठीक है, अब अगर मुझे सेकंड फीलियल चाहिए तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा? इन्हीं का दो बार फिर से क्रॉस कर दूंगा। बट अब यहाँ पे बैक क्रॉस करना है मुझे, तो बैक क्रॉस में क्या होगा? बैक क्रॉस में मैं इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन का क्रॉस किसी इन एक पेरेंट्स में के साथ करूंगा, मतलब कोई एक यहाँ पे जो पेरेंट है इनमें से किसी के साथ कर दूंगा। मतलब अगर मैं देखो नॉर्मली करूं तो मैं क्या करूंगा? कैपिटल टी और यहाँ पे फिर से क्रॉस कैपिटल टी, इसी के साथ खुद के साथ कर दिया मैंने यहाँ पे, समझा कि नहीं? खुद में ही कर दिया मैंने इनका क्रॉस, खुद में ही इनका एक बार क्रॉस कर डाला, समझा कि नहीं? बट यहाँ पे अगर सपोज मुझे यहाँ पे क्रॉस करना है, नॉर्मली बैक क्रॉस करना है अगर मुझे, तो मैं क्या करूंगा? इसका मैं क्रॉस करूंगा सेकंड फीलियल जनरेशन अगर चाहिए बैक क्रॉस के हिसाब से, तो मैं इसका क्रॉस एक किसी ना किसी पेरेंट के साथ कर दूंगा। तो चलिए फिर फटाफट कर देते हैं, ध्यान देना अच्छे से। यह है अपना पनेट स्क्वायर, क्योंकि सेकंड फीलियल जनरेशन हम पनेट स्क्वायर में दिखाते हैं। तो पहला मैंने इससे क्या मिट लिया? कैपिटल टी, और दूसरा स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और मैं दूसरा यहाँ पे यही लूंगा क्या? अगर मैं यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी ले लूँ, अगर यहाँ पर भी देखो ऐसा मैं अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ले लूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने वापस से क्या किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दिया। बट मैं यहाँ ऐसा करूँगा क्या? मैं यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वाई? बिकॉज मुझे बैक क्रॉस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा? इनमें से कोई एक लूँगा, मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ। कैपिटल टी उठा लिया, समझा कि नहीं? क्योंकि हमें अभी पेरेंट के साथ क्रॉस करना है, यानी कि जो चिल्ड्रन हुआ वो पेरेंट के साथ ही क्रॉस करेगा, समझा कि नहीं? तो देखो क्या मिलता है, ये होता है बैक क्रॉस। हम बैक वापस से रिटर्न होके क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो आपको क्या देखने मिला कि आपको कहीं भी डॉर्फ मिला क्या? डॉर्फ नहीं मिलेगा, आपको डोमिनेंसी मिल रही है। डोमिनेंसी मीन्स आपको टॉल ही मिल रहा है। देखो हर जगह टॉल है, समझा कि नहीं? जीनोटाइप की वजह से आपको टॉल ही मिल रहा है, क्योंकि कैपिटल टी भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है, दोनों टॉल होती है। ठीक है, अभी जीनोटाइप के हिसाब से जीनोटिपिकली यहाँ पे दोनों टॉल है। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, भले यहाँ पे अंदर यहाँ पे डिफरेंसी हो थोड़ी सी, बट ये टॉल ही होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। तो देखो कहीं भी डॉर्फ नहीं मिलता है अगर हम बैक क्रॉस करते हैं तो। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो तो ऐसे क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बैक क्रॉस समझ गया होगा, मैंने करके भी दिखा दिया। सेकंड फीलियल जनरेशन का पूरा कमाल है। अब देखेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। सो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना। टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस है, ये बात पहली बात समझ लो। बट टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। जो F1 हाइब्रिड है ना, इसका क्रॉस हम लोग होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी था तो भाई कोई भी उठा लो, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी साथ भी कर डालो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको कौन सा लेना है? होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट ही लेना है। कौन सा पेरेंट रहेगा? जो चाइल्ड अपना F1 जनरेशन में मिलेगा, इसका क्रॉस ओनली एंड ओनली होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ ही करना है। तो ये क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, समझा कि नहीं अच्छे से? ये बात ध्यान देना। और इसका मेनली हम क्यों यूज करते हैं? यूज्ड टू फाइंड इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये फाइंड करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस बहुत ही इजी, सिंपल, रिपीटेबल और प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब बहुत ही आसान होता है ये यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। चलो इसका भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बहुत ही आराम से जा रहा हूँ, डोंट वरी, कोई भी घाई नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं। अगर मान लो कि आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है आपके पास। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। फ्लावर में आपके पास एक वाइट है और एक आपके पास पर्पल है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पर्पल और वाइट वाले फ्लावर का क्रॉस किया और आपको सारे के सारे फ्लावर पर्पल मिल गए तो उन्हें आप क्या कहोगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। समझा कि नहीं, सारे के सारे क्या बोलोगे, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर आप लोग उसी फ्लावर का और वाइट फ्लावर और पर्पल का क्रॉस किया, अगर आपको मान लो 1:1 रेशियो मिल रहा है, यानी कि 1 रेशियो में पर्पल 1 रेशियो में आपको व्हाइट मिल रहा है, तो वो कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। यानी कि यहाँ पे अगर सपोज 4 रिजल्ट आ रहा है तो 2 रिजल्ट कैसे होने चाहिए, आपके पर्पल के लिए होने चाहिए और 2 रिजल्ट आपके व्हाइट के लिए होने चाहिए। तो चलो इसे समझ लेते हैं, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। चलो तो होमोजाइगस रेसेसिव और होमोजाइगस रेसेसिव यहाँ पे इनका क्रॉस हो रहा है, तो पहला हम, और चाहे होमोजाइगस रेसेसिव चाहे जैसा भी हो, इसका क्रॉस हम किसके साथ कर रहे हैं, इसका क्रॉस हम लोग कर रहे हैं अपने जो अपना जीनोटाइपिक चीजें हैं, यानी कि जो पर्पल अपना यहाँ पे कलर है उसके साथ। तो व्हाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर का हमने क्रॉस किया है, मेंडल ने भी ऐसा किया था तभी तो हम कर पा रहे, क्योंकि ये सारी चीजें मेंडल ने बताई थी, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर फटाफट। तो यहाँ पे देखो ये अपना एक यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि कैपिटल आर, और इसको हमने स्मॉल आर फ्लावर के साथ क्या किया है, यानी व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर पर्पल फ्लावर के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है। मान लो ऐसा यार, इससे होता कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो इसका हमने यहाँ पे गैमेट निकाल लिया, स्मॉल आर कैपिटल आर, यहाँ से भी गैमेट निकाल लिया, दोनों का हमने किया क्रॉस और अपने को सारा देखो एग्जैक्टली सिमिलर चीजें मिली है, कैपिटल और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सब ऐसे मिले और ये सब के सब पर्पल है। तो ऐसे यहाँ पे जो भी कलर है यार, ये वायलेट हो पर्पल हो, अपने को क्या करना है, अपने को कलर से नहीं, अपने को कंसेप्ट से मतलब है। तो जो भी यहाँ पे कलर आया है सारे सेम कलर वाले हैं, अगर सारे सेम कलर वाले हैं और यहाँ पे पर्पल या फिर वायलेट जो भी था यार, ये कलर मेरे को कलर के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो कलर है, ये कलर अगर ये डोमिनेंट है, मान लो ऐसा कि व्हाइट कलर ये रेसेसिव कलर है और यहाँ पे जो पर्पल या फिर जो भी वायलेट कलर है ये क्या है, डोमिनेंट कलर है, और यहाँ देखो सारे डोमिनेंट ही आए हैं, सारे के सारे डोमिनेंट हो गए ना, क्योंकि पर्पल कलर या फिर ये जो वायलेट कलर है ये डोमिनेंट कलर कहलाता है, ये डोमिनेंट है और ये व्हाइट वाला रेसेसिव है। तो रेसेसिव एक भी यहाँ पे दिखा क्या, नहीं दिखा ना, मतलब सारा रिजल्ट कैसा है, अननोन फ्लावर सारे के सारे होमोजाइगस डोमिनेंट है। देखो होमोजाइगस मतलब सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ना, तो इसीलिए ये सबके सब डोमिनेंट है। बट वहीं अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर मैंने यहाँ देखा, देखो अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे यही डोमिनेंट जो हमें यहाँ से मिला था, इसका क्रॉस हम लोग ने अगर वापिस से इसके साथ किया, देखो पेरेंट के साथ ही कर रहे हैं ना, देखो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है। देखो मैं फिर से आपको अच्छे से बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, ठीक है, ध्यान देना। मैं इसे करता हूँ डिलीट और फिर आपको बताता हूँ अच्छे से सारी चीजें, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखना अच्छे से। देखो अपने को क्या बोला था, टेस्ट क्रॉस मतलब कि जो भी F1 जनरेशन में आएगा इसका क्रॉस हम लोग होमोजाइगस रेसेसिव के साथ करेंगे। समझा कि नहीं अच्छे से, तो होमोजाइगस रेसेसिव के साथ हमको क्रॉस करना है, ठीक है। अब आपको समझा होगा, चलिए ध्यान देते हैं। होमोजाइगस रेसेसिव के साथ हम क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है, जो भी अपना F1 वाला आएगा उसके रिजल्ट के साथ। तो सबसे पहले हमने मेन पेरेंट ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ले लिया। इनसे हमें एक गैमेट मिला, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से भी हमें ये गैमेट मिला, ठीक है। ये हो गई अपनी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमें जो भी मिला ये अपने को क्या मिला, ये डोमिनेंट मिला। समझा कि नहीं अच्छे से, भले डोमिनेंट मिले रेसेसिव मिले, अपने को क्या करना है, लेकिन अपने को यही मिला डोमिनेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपने को डोमिनेंसी क्रिएट हुई, ठीक है। चलो अब ये जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर मिला है, इसको वापस से हम होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखो वही चीज मैंने फिर से उठाया और इसको वही चीज सेम के साथ हमने होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। समझा, तो यहाँ से आएगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर, फिर कैपिटल स्मॉल आर, और देखो इनके साथ जब मैंने क्रॉस किया तो यहाँ पे अपने को क्या मिले, एक क्या मिले यहाँ पे, और यहाँ पे देखो इन दोनों का एक रेशियो बना, यानी कि 2:2 मिला है। काटेंगे तो 1:1 आएगा, कट करेंगे 1:1 आएगा। समझा कि नहीं, इससे 2 कॉमन लेके काट दो तो 1:1 मिलेगा। समझा, तो यहाँ पे हाफ मिल गए पर्पल इसके और हाफ मिल गए अपने को व्हाइट वाले यानी इसके। समझा कि नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे हाफ फ्लावर है जो वायलेट कलर है, हाफ वाला व्हाइट कलर है, यानी कि जो अननोन फ्लावर आया ये हेट्रोजाइगस है। समझा कि नहीं, यानी कि देखो हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, और होमो मतलब सेम। देखो यहाँ पे जितने मिले सब सेम है, यहाँ पे जितने हैं वो हेट्रो है। तो इसीलिए टेस्ट क्रॉस क्यों कर किया जाता है? तो टेस्ट क्रॉस जो जनरेशन होती है वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, ये चेक करने के लिए हम लोग किया करते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कि अपना एक हाफ हाफ आया, ऐसा कुछ जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा आया तो वो क्या रहेगा? हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कहलाएगा। अगर सबके सब सेम सेम आ गए तो वो क्या कहलाएगा कि पूरा पूरा ये डोमिनेंट है और ये पूरा होमोजाइगस है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए एक बार और मैं इसे हम लोग अपने तरीके से और अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज टेस्ट क्रॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, बहुत ही ज्यादा बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग ना इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे डीप कंसेप्ट के साथ। तो इसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ और ध्यान देना, हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए मान लो यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर चीजें हैं। ये है अपना होमोजाइगस रिसेसिव, याद रखना इसको, और ये है अपना डोमिनेंट। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, चलो तो यहाँ से मैंने आर ले लिया, यहाँ से अभी मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे इन दोनों का मैंने ऐसा कुछ क्रॉस किया। ठीक है, ये स्मॉल आर आएगा यहाँ पे ये स्मॉल आर आएगा। ठीक है, चलिए जब मैं इसका क्रॉस करूँगा तो मुझे कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, लेकिन डोमिनेंट कौन है यहाँ पे? ये है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गया। अब मैं यहाँ पे अपना होमोजाइगस रिसेसिव कौन था? स्मॉल आर अपना होमोजाइगस रिसेसिव था, तो इसी के साथ करूंगा ना वापस से क्रॉस। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर ये मिल गया, इससे अपने को कैपिटल आर स्मॉल आर, समझा कि नहीं? और ये पनेट स्क्वायर में ध्यान देना अच्छे से, पनेट स्क्वायर में मैं इसको फिल करूंगा ना, क्योंकि मैं होमोजाइगस रिसेसिव की बात कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा? ऐसा कुछ अपने को मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा, समझा कि नहीं आपको अच्छे से? तो ये सारी चीजें अपने को मिलेंगी। और देखो जरा, यहीं पर भी वही चीज मिली है क्या? देखो यहाँ पे, और ये वाली चीजें यहाँ पे वही चीज मिली है ना। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, यही है टेस्ट क्रॉस, इसके बारे में आपको समझना है। चलिए अब ये सारी चीजें बहुत ही आसान सी रहेंगी। डेविएशंस फ्रॉम मेंडेल फाइंडिंग्स, ये हम भी देखेंगे। देखो डेविएशंस का मतलब क्या है कि कुछ अलग चीजें, इसके बारे में मतलब क्या क्या अभी चेंजेस आया, जो मेंडेल ने बताया था उसमें अब क्या क्या चेंजेस है, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जनरलाइजेशन है जो कि अलग अलग अराइव हुई है मेंडेल एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, लाइक और जो भी चीजें ये अराइज हुई है ना, ये कब अराइज हुई है? पोस्ट मेंडेलियन एरा में। पोस्ट मेंडेलियन एरा बोलने का मतलब है, एरा मतलब होता है टाइम, और मेंडेलियन मतलब मेंडेल का, और पोस्ट मतलब बाद। मेंडेल के बाद का जो टाइम था उसके बाद, यानी मेंडेल ने जब चीज़ें बता दी तो उसके बाद जो भी चीज़ें नई नई चीज़ें अराइज हुई जो कि मेंडेल ने नहीं बताई थी। ठीक है, तो वो चीज़ों को हम पोस्ट मेंडेलियन एरा में जो जो चीज़ें अराइव हुई हैं उसे कहते हैं, या तो नियो मेंडेलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, नियो मतलब नया, और मेंडेलिज्म मतलब मेंडेल में ही जो भी चीज़ें थी, मतलब मेंडेल ने जो बनाया था, जो बताया था, जो डिस्कवर किया था, उसमें जो जो भी न्यू न्यू चीज़ें अराइव हुई हैं उसे हम नियो मेंडेलिज्म कहते हैं। और ये कब हुआ था? पोस्ट मेंडेलियन एरा में, यानी कि मेंडेलिज्म, जो मेंडेल थे उनके मरने के बाद जो भी नई नई चीज़ें आई, उनके जेनेटिक्स में जो जो नए नए मॉडिफिकेशन हुए उसे हम नियो मेंडेलिज्म कहते हैं। तो और जो भी चीज़ें वही डेविएशन है, यानी कि क्या क्या न्यू न्यू चीज़ें मिली। लाइक देखो मेंडेल ने क्या बोला था कि जो अपनी सिंगल ट्रेट्स होती है ना, सिंगल ट्रेट्स ये नॉर्मली सिंगल जीन में होती है, बट उन्होंने ऐसा ये टू अलील्स नहीं बताया था। तो यहाँ पे सिंगल जीन्स के अंदर यहाँ पे टू अलील्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेंडेल ने सिर्फ इतना ही बताया था कि सिंगल ट्रेट मतलब सिंगल जीन, यानी एक जीन से ओनली एक ट्रेट ही होना चाहिए, समझा कि नहीं? एक ट्रेट। बट आगे चल के पता चला कि एक जीन के अंदर टू अलील्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को कंटेन कर सकती है। ये कोई दूसरा कैरेक्टर बनाएगा, ये कोई दूसरा कैरेक्टर बनाएगा, टॉल डॉर्फ ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो डेविएशंस हैं इनको मेंडेल के बाद हमें पता चला। ठीक है, चलो तो इन्हीं के डेविएशंस के हिसाब से यहाँ पे जीन्स का इंटरेक्शन करके एक चीज आपको टॉपिक मिला, जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या होता है? ये बेसिकली फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड है। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मतलब क्या कि जो बाहर से हम लोग क्या करते हैं, पता कर सकते हैं, बाहर से मतलब फिजिकली देख के उन एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं। लाइक टॉल डॉर्फ ऐसी, लाइक टॉल मतलब ये टॉल, डॉर्फ ऐसा, ये फिनोटाइपिक है, ना कि ये टॉल। ठीक है, ऐसा टॉल नहीं, ये यहाँ पे ये डॉर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जीनोटाइप हो गया। मैं ये टॉल और ऐसे डॉर्फ की बात कर रहा हूँ। फिजिकली जो लिखा होता है उसको हम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। सो इसी यहीं पे ऐसे बहुत सारे डेविएशंस आए फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में, और इसी के थ्रू जीन का इंट्रैक्शन भी हुआ। जीन का इंट्रैक्शन मतलब क्या कि जब कभी भी कोई क्रॉस होता है सो जीन का इंट्रैक्शन कैसे होता है और फिर फिजिकली बाहर से बॉडी कैसे चेंज होती है। जैसे कि देखो, आपने देखा होगा कि आपके सामने एक काऊ है और आपके सामने एक दूसरा जो भी बुल है, ठीक है, उसे समझो अच्छे से, ठीक है। आपकी जो काऊ है वो पूरी टोटली वाइट है, ठीक है, और जो पूरा बुल है ये पूरा का पूरा टोटली ब्लैक है, ठीक है। इन दोनों में हुआ क्रॉस, तो आपको क्या लगता है कि क्या मिलेगा? आप यही बोलोगे ना कि भाई एक वाइट मिलेगा और एक अपना ब्लैक मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर जो सामने वाला रिजल्ट आएगा उसमें हाफ मतलब पूरे जो पूरा वाइट ही रहेगा और उसमें ब्लैक पैचेस रहेंगे, या तो पूरा ब्लैक रहेगा उसमें वाइट पैचेस रहेंगे, ऐसा भी अपने को हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें है ना, ये कैसे हुआ, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे जो पैचेस आ रहे हैं, ये किसकी वजह से होता है? जीन इंटरेक्शन की वजह से होता है। जीन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा इसके ऊपर डिपेंड है, बट ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। अगर सपोज फीमेल है जो वो पूरी सपोज ब्लैक है, ठीक है, पूरी एकदम ब्लैक है, और मेल सपोज एकदम, मैंने यहाँ पे ब्लैक बोल दिया, बहुत लोग गुस्से हो जाएंगे, ठीक है, हम मैं यही बोलूंगा फीमेल पूरे ब्लैक है, ठीक है, और जो मेल है सपोज ये एकदम पूरा एकदम व्हाइट है, इसका मतलब आप समझ सकते हो एकदम अच्छा सा है, ठीक है, चलो सपोज, हाँ। और इन दोनों में अगर क्रॉस हुआ तो ऐसा नहीं होने वाला है कि हाफ ब्लैक हाफ ऐसा व्हाइट आ जाएगा, ऐसा ह्यूमन बींग्स में कभी देखने को मिला नहीं है। या तो वो ब्लैक, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि सावला टाइप का रहेगा, ठीक है, यानी कि ना ज़्यादा ब्लैक ना ज़्यादा ऐसा मतलब वाइट, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा ह्यूमन बींग्स में, बट ऐसा है दूसरे एनिमल्स में ऐसा नहीं है। हम इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये जीन इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, वही जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ठीक है, उसी के वजह से हो रहा है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई काला है तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक हुआ है, वो गोरा कभी हो भी नहीं सकता है, और अगर कोई गोरा है तो वो कभी काला नहीं हो सकता है। हाँ, अगर धूप में रहेगा तो वो अलग बात है, उसकी स्किन ब्लैक हो जाए। अफ्रीका में रहेगा तो अफ्रीका का जंगल तो किसी को भी बदल सकता है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। चलो, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जीन इंट्रैक्शन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्राजेनिक, एक होता है इंटरजेनिक। जो इंट्राजेनिक होता है और इंटरजेनिक होता है इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इन यहाँ पे देखो वर्ड को ध्यान देना, इंट्राजेनिक है और ये है इंटरजेनिक, दोनों को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलो, तो अभी हम इनके बारे में समझते हैं कि जो इंट्राजेनिक होता है ये इंटरेक्शन दो सेम जीन्स के बीच में होता है। सेम जीन्स रहेंगे ना, उनके ही बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे हम इंट्राजेनिक कहेंगे। इसके अभी एग्जांपल को हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस अभी इसी पॉइंट को याद रखो बस, ठीक है, कि इंट्राजेनिक मतलब सेम जीन में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम इंट्राजेनिक, और जो डिफरेंट जीन्स में यानी कि अलग टाइप के जो जीन्स में इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। यानी कि इंटरजेनिक इंटरेक्शन जो होता है वो डिफरेंट जीन्स के बीच में होता है, ठीक है, या डिफरेंट क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक है। सो इनके बहुत सारे रिजल्ट भी हैं, लाइक जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, फिर को डोमिनेंस है, ये सब के सब एग्जाम अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ये सब एग्जांपल है इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन के। और प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनी, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। ये होता है इंटरजेनिक इंट्रैक्शन, ठीक है, ये बातें ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं के बारे में स्टडी करना। जीन इंट्रैक्शन दो टाइप का, इंट्राजेनिक, इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक के अंदर कौन सा आता है? इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस, एग्जाम में ये दोनों पूछते भी है। प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनी, आपके टेक्स्ट बुक में प्लियोट्रॉपी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हम अच्छे से इन्हें समझेंगे, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हमें देखना है, बहुत ही मोस्ट और अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे इसे पढ़ के सुन के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो देखो यहाँ पे पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन को जो नोट्स है इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है ना, देखो वर्ड से समझो, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं हुआ है, और डोमिनेंसी भी आई है, ये हमको समझना है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो अलील्स होते हैं, अलील्स यानी कि जीन्स का ही फॉर्म होता है, इसीलिए अलील ही जीन है, ठीक है। तो जो अलील्स होते हैं ये कोई भी पेयर ऑफ अलीलोमॉर्फिक जो पेयर होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं पार्शियली। ये वर्ड आपको अभी खटक रहा होगा दिमाग में, पार्शियली कैसे? चलो ध्यान देना, अच्छे से भी समझते हैं। सपोज आपके सामने कोई एक फ्लावर है, रेड फ्लावर है, और आपके सामने दूसरा व्हाइट फ्लावर है, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर नॉर्मली क्रॉस हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका क्रॉस होगा, या फिर अगर मैं ऐसा ना कहूं तो देखो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, डायरेक्टली मैं फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो इनका क्रॉस हुआ तो जो चिल्ड्रन आएगा ना, चिल्ड्रन में या तो कैपिटल आर दिखेगा या तो स्मॉल आर दिखेगा, यानी कि ये रेड है और ये अपना नॉर्मली सपोज व्हाइट है, ठीक है। ये स्मॉल आर मैंने व्हाइट के लिए दिखाया, ऐसा है। तो अगर यहाँ पे रेड वाला दिखा तो मतलब रेड क्या है, टोटल कंप्लीट डोमिनेंस है। अगर स्मॉल आर दिखा व्हाइट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कंप्लीट डोमिनेंस है। व्हाई, बिकॉज आर डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट मतलब आर क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया, तो डोमिनेंट है। और यहाँ पे कैपिटल आर ये सप्रेस हो गया तो ये क्या है, रेसेसिव बन गया। जो एक्सप्रेस होता है ना उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। जो चिल्ड्रन में दिखता है, दिख जाता है, टॉल दिख गया, डॉर्फ दिख गया, आईज का कलर जो आ गया, वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। और जो आए ही नहीं उनका क्या, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड, यहाँ पे देखो एक्सप्रेस हो गया, मतलब सपोज ये अभी डोमिनेंट है और स्मॉल आर व्हाइट वाला रेसेसिव है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों डोमिनेंस बन जाते हैं, ये आर भी डोमिनेंस रहेगा और स्मॉल आर भी डोमिनेंस रहेगा। तो अब क्या होगा, अब वही कंडीशन आ गई कि यार ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ऐसा हो जाएगा, यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, फिलहाल अपने लिए तो अच्छी बात है भाई, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक है। चलो तो रेड फ्लावर और अगर व्हाइट फ्लावर का क्रॉस किया तो यहाँ पे देखो एक आर और ये स्मॉल आर है, दोनों को मिक्स किया तो पिंक फ्लावर बना, ना रेड आया और ना ही व्हाइट आया, दोनों पिंक बन गए, समझा कि नहीं। मतलब दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर को, अपनी अपनी डोमिनेंसी को, रेड ने भी व्हाइट ने भी दोनों को अपीयर किया, दोनों ने अपने अपने को एक्सप्रेस किया। F1 हाइब्रिड में, F1 वाले जनरेशन में दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, समझा कि नहीं अच्छे से। तो इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ना ज्यादा पूरा कंप्लीट व्हाइट वाले ने अपने आप को डोमिनेंट किया, ना ही ज्यादा रेड वाले ने अपने आप को डोमिनेंट किया, पार्शियली हल्का हल्का दोनों ने अपने आप को डोमिनेंट किया। So, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आपको समझ गया होगा। एक यहाँ पे जो भी चीज़ है, मिराबिलिस जलापा, ये एक फ्लावर का नाम होता है और यही ऐसा शो करता है। अगर रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर में आप क्रॉस करोगे तो आपको पिंक फ्लावर मिलेगा, ठीक है। इसे मेंडेल ने सब परफॉर्म किया था। अगर हम लोग इसका F2 जनरेशन निकालें तो देखो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर सेल्फिंग कर दिया डायरेक्टली, कोई बैक क्रॉस कोई टेस्ट क्रॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक रेड, ये व्हाइट, और देखो यहाँ पे पिंक पिंक आ गया है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो आप देख सकते हो, एक रेड दो पिंक एक व्हाइट, यहाँ पे एक कैपिटल आर दो स्मॉल आर और एक स्मॉल आर, ठीक है, समझा कि नहीं। यानी कि दो कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर कैपिटल आर। तो यहाँ पे 1:2:1 का रेशियो मिलता है, किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो कभी भी एमसीक्यू में पूछा तो ये रेशियोज याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी कोडोमिनेंस के बारे में। ये भी किसका पार्ट है, इंट्राजेनिक का, इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होता है हमको ये समझना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं, हमें इसको अच्छे से समझ के लेना है, बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो दोनों के दोनों अलील होते हैं, अब एक जीन में दो अलील होते हैं, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिया तो ये दो अलील है कि नहीं है, एक कैपिटल टी वाला है एक स्मॉल टी वाला है। तो जो दोनों अलील होते हैं ना, ये अपने आप को इक्वली क्या करते हैं, अपने आप को इक्वल पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, पार्शियली नहीं कि वो रेड वाले ने भी किया और व्हाइट वाले ने भी किया, ऐसा नहीं है। ये अपने आप को इक्वली करते हैं, इक्वली अपने आप को F1 हाइब्रिड में शो कराएंगे, समझा कि नहीं। ये बात में आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पे क्या है, कोडोमिनेंस भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा ही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पूरा के पूरे कैरेक्टर को ही वहां पे बदल जा रहा है। यानी कि या अगर रेड था और वहां पे अगर व्हाइट था तो एक ऐसा फ्लावर बने जिसमें हाफ रेड हो और हाफ व्हाइट हो, बट वहां पे क्या हुआ, वहां पे पूरा मिक्स हो गया यार, वहां पे पूरा पिंक बन गया, मिक्सिंग हो गई वहां पे, समझा कि नहीं, ब्लेंडिंग हो गई जीन की वहां पे, समझा कि नहीं अच्छे से। ये बात ध्यान रखना, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों ने अपने आप में झगड़ा कर लिया। बट यहाँ पे क्या है, दोनों अच्छे से मेंटेनेंस के साथ बोलेंगे, भाई रेड तू भी रह जा मेरे ऊपर और मेरे ऊपर व्हाइट भी रह जा। देख रहे हो ना आप इस गाय को, यहाँ पे क्या है, रेड वाले पैचेस भी है और व्हाइट भी है, यहाँ भी देख लो आप लोग, रेड और व्हाइट दोनों है, समझा कि नहीं। यानी कि दोनों अपनी अपनी डोमिनेंसी दिखाएंगे, इक्वल पार्ट्स में रहेंगे, समझा कि नहीं अच्छे से। ये था पूरा कंसेप्ट, और मुझे लगता है कि आपको ऐसा कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा, आपको समझ के रखना चाहिए सारी चीजें। तो मान लो यहाँ पे एक रेड गाय है और यहाँ पे व्हाइट एक बुल है, ठीक है, जो भी चीज है आप इसको जो जानो, आप अपने यहाँ पे सांड कहो जो कहना है कह लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड वाला है और ये व्हाइट वाला है, इन दोनों में जब क्रॉस हुआ तो एक या तो ऐसा मिलेगा या तो दूसरा ऐसा मिलेगा, यानी कि व्हाइट में यहाँ पे रेड आया है और यहाँ पे रेड में व्हाइट आया है, कुछ भी हो सकता है, अपने को कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो, और इसी को कहेंगे हम F1 जनरेशन। तो आपको समझ रहा है ना कि को डोमिनेंस मतलब क्या है, कि दोनों में इक्वल डोमिनेंसी आई है, यानी रेड भी आया है और व्हाइट भी दिख रहा है। बट इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में पिंक फ्लावर मिल रहा था, ऐसा नहीं था कि रेड और फ्लावर दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे ऐसा देखो कैसा हो रहा है, यहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे रेड भी दिख रहा है और यहाँ पे देखो व्हाइट भी दिख रहा है, दोनों ने अपने आप को इक्वली डोमिनेंसी दी है। बट वहां पे क्या था, वहां पे पार्शियली था, यानी दोनों मिक्सअप होके रेड और व्हाइट का पिंक बना दिया था, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। तो इसे इनकम्प्लीट कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। आगे अगर और हमने F2 जनरेशन बनाई तो चांसेस बनेंगे कि वापस से एक रेड बन जाए, फिर एक पैचेस वाला, फिर एक पैचेस वाला, और वापस से एक व्हाइट बन जाए, तो ये चांसेस बनते हैं। और इसका भी यहाँ पे जब क्रॉस का रेशियो निकालोगे तो 1:2:1 मिलेगा, बिकॉज दो देखो कैसे हैं, यहाँ पे दो हैं इक्वल यानी कोडोमिनेंस वाले, एक है प्योर पेरेंट, यहाँ पर भी दूसरा है प्योर पेरेंट, समझा के लिए अच्छे से। यानी कि होमोजाइगस यहाँ पे मिल जाएंगे, ये रेड और व्हाइट वाले होमोजाइगस हैं और ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, समझा कि नहीं। हेट्रोजाइगस क्यों, डिफरेंट ना, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, तो हेट्रोजाइगस मतलब रेड और व्हाइट दोनों दिखा रहा है, कोई किसी में व्हाइट के ऊपर रेड आया है, किसी में रेड के ऊपर व्हाइट आया है, तो ये क्या हो जाएंगे, दो ऐसे हेट्रोजाइगस मिले और एक अपने को होमोजाइगस और ये दूसरा होमोजाइगस मिला, तो यहाँ पे 1:2:1 का ही यहाँ पर भी रेशियो बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल अलील समझते हैं ये क्या होता है। अलील मतलब जीन, भूलना नहीं बार बार, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे सिर्फ आप इतनी सी बात को समझ लो, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये चारों पॉइंट एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में लिख देना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। और ये डायग्राम बना देना अगर बनाना होगा तो, ठीक है। चलो तो अभी पढ़ते हैं मल्टीपल अलील के बारे में। मल्टीपल अलील होता क्या है ये समझना, ठीक है। देखो एक आपके पास एक क्रोमोजोम है, यहाँ पे लोकेशंस होती हैं जहाँ पे अलील्स यानी जीन्स रहते हैं। सपोज ये अपना यहाँ पे पूरा डीएनए है और यहीं पे रहता है अपना क्रोमोजोम्स, या क्रोमोजोम कह रहा हूँ, यहाँ पे जो जीन्स होते हैं, जीन्स यहीं पे रहते हैं। सो जो जीन्स है ना, यहाँ पे इतना सा मैंने पार्ट उठाया और इस एक पार्ट में बहुत सारे अलील, बहुत सारे क्रोमोजोम एक साथ एक ही लोकस पॉइंट में आने लग गए, यानी मल्टीपल अलील्स एक ही पोजीशन में आने लग गए। तो इससे क्या होगी, प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है। ये जो भी चीज होगा तो इसे हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, यानी एक ही लोकस यानी लोकेशन, एक ही जगह में बहुत सारे अलील, बहुत सारे यहाँ पे जीन्स आके अपने आप को एक्सप्रेस कराते हैं एक ही जगह में। तो क्या होगा आप समझ सकते हो। अभी अगर सपोज आपके पास आइज है और आइज आपका एक लोकेशन है, सो इसी जगह में ब्राउन भी आ गया, इसी जगह में रेड आइज का कलर भी आ गया, इसी में ब्लैक का भी आ गया, ठीक है, अलग अलग, और ब्लू भी आ गई, समझो। तो आपकी आइज का कलर क्या होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी आप समझ सकते हो। अभी तो यही होता है मल्टीपल एलिलिज्म, समझा कि नहीं अच्छे से। सो यहाँ पे देख लो, अभी मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन in a population occupying the same locus on a chromosome or its homology are known as multiple alleles, यानी कि सेम लोकस में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऑफ द अलील्स इन सेम पॉपुलेशन, यानी सेम कोई भी जो इंसान है या कोई भी जो सामने का चिल्ड्रन है या जो भी पॉपुलेशन है उसमें ऑक्यूपाई करते हैं प्लेस को यानी लोकेशन को। सो ऐसी कंडीशन को हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, समझा कि नहीं। डीप में एकदम अच्छे से आपको समझ गया होगा, यानी कि एक ही लोकेशन है और उसमें बहुत ज्यादा मतलब क्रोमोजोम एक साथ आ रहे हैं, इसे हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। डायरेक्टली बहुत सारे जीन्स एक साथ, बहुत सारे जीन्स यानी अलील्स अपने एक्सप्रेशन को, अपने मतलब जो भी इनका जीन्स है, डायरेक्टली ये जीन्स ही आ जा रहे हैं, एक्सप्रेशन की तो बात छोड़ दो, ये जीन्स ही एक साथ बहुत सारे यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। बट ये कब होता है, ये तभी होता है जब कभी भी जीन्स का म्यूटेशन होता है, यानी कि जब जीन्स म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो आपने क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस 2 का वहाँ पे म्यूटेशन पढ़ा था। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जीन। सडन चेंज मतलब तुरंत का तुरंत चेंजेस जो जीन्स में होता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। सो जब कभी भी जीन्स में म्यूटेशन होता है यानी सडन चेंजेस आते हैं तभी ऐसा मल्टीपल एलिज्म की कंडीशन क्रिएट होती है। सो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। सो मल्टीपल एलिज्म कब होता है? जब जीन्स में सडन चेंज आता है वाइल्ड टाइप में, ठीक है, तभी होता है। और जो ये जीन्स होते हैं इनके सीरीज या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे या तो फिर कोडोमिनेंसी दिखाएंगे या तो फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी दिखाएंगे, ये कुछ भी हो सकता है। कोडोमिनेंस दिखाएंगे तो इक्वल इक्वल जीन्स का डोमिनेंसी आएगी, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी दिखाते हैं तो इनमें क्या होगा, एकदम दोनों मिक्सअप हो जाएगा, ब्लेंडिंग हो जाएगी किसी भी चीज की, पूरे क्रोमोजोम की, दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। बट कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों एक साथ कॉपरेट करके चलते हैं, ठीक है। मतलब बोलते भाई हाफ तू अपना डोमिनेंसी दिखा ले और हाफ मैं अपना दिखा लेता हूं, ठीक है। तो ऐसे होती है कोडोमिनेंसी में। इनकम्प्लीट में दोनों डोमिनेंस होते हैं बट दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मल्टीपल एलिलिज्म में होता है। ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था इंटरजेनेटिक का, ना कि इंट्राजेनेटिक का, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप सारे के सारे डायग्राम देख लो। यहाँ पे सारे फ्लाइज के डायग्राम, यहाँ पे अलग अलग कलर्स है, अलग अलग कलर्स है, ये सारे जीन्स की वजह से सारे में कलर आया है। एग्जाम में पूछ लिया कि स्ट्रैप विंग कौन से जीनोटाइप की वजह से होता है, तो बता देना VGST स्ट्रैप, समझा कि नहीं? तो इस जीनोटाइप की वजह से होता है स्ट्रैप विंग्स, ठीक है। तो ये विंग्स हैं अलग अलग, आप जाओ नेट में सर्च करो, ये जो मकड़ी है, जो भी चीजें हैं, ये कीड़ा बेड़ा क्या है पता नहीं, तो इसके बारे में आप जाओ और सर्च करो, आपको सारी चीजें समझ जाएंगी, ठीक है। कौन सा ये विंग्स, ये स्ट्रैप विंग्स क्या होता है? वेस्टिजियल विंग्स मतलब कोई विंग्स का ही ना होना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। फिर ऐसे नॉस्ट वाला विंग्स कौन सा है, फिर निक्ड विंग्स कौन सा है, नॉर्मल विंग्स तो आपको नॉर्मल पता ही है, जो आपने नॉर्मली देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जाओ नेट में विंग्स के बारे में पता करो, आपको अच्छे से डायग्राम दिखेगी। अब मैं विंग्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी किसका पार्ट था? तो हमने देखा था प्लियोट्रॉपी ये भी इंटरजेनेटिक का था, यानी कि इंटरजेनिक इंटरेक्शन के बीच में था। इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, जो शायद आपको कहीं भी ना समझे और बहुत कंफ्यूजन कर देता है ये, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, देखो मल्टीपल अलील में क्या था कि आपके पास क्रोमोजोम में एक ही लोकस था और इस लोकस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलील्स आ रहे थे। कौन आ रहे थे? अलील्स आ रहे थे, समझा कि नहीं। एक ही लोकस पॉइंट में बहुत सारे डिफरेंट अलील्स आ रहे थे और यहाँ पे कोई भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, और ये नॉर्मली जीन के म्यूटेशन के वजह से हो रहा था। किसके वजह से हो रहा था? जीन के म्यूटेशन के वजह से। बट इन दी प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, एक ही आपके पास क्रोमोजोम है, एक ही क्रोमोजोम है, और देखो कितना ये शाना बन रहा है, एक अकेला सा क्रोमोजोम ये अकेले डिफरेंट ऑर्गन्स में अपने एक्सप्रेशन को देना चाहता है। मतलब देखो क्या बोला था उसने, मेंडल ने, कि एक सिंगल जीन एक सिंगल ट्रेट्स को ही दे सकता है, समझा कि नहीं, एक सिंगल ट्रेट्स को दे सकता है, यानी कि अगर एक जीन है वो एक ही कैरेक्टर दिखाएगा, समझा कि नहीं। बट प्लियोट्रॉपी ये बहुत ही बैड थिंग होती है, इसी के वजह से दुनिया में सारे डिसऑर्डर्स हैं जीन्स के, ये बहुत ही बुरी बात है। मतलब ऐसा है अपने बॉडी के अंदर, किसी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा होता है, अगर हो गया तो क्या। तो ये क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो क्या होता है, एक जीन्स नॉर्मली एक ही ट्रेट देता है, बट प्लियोट्रॉपी में एक सिंगल क्रोमोजोम डिफरेंट ऑर्गन्स में अपने कैरेक्टर को, अपने ट्रेट्स को देना चाहता है, समझा कि नहीं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। लाइक एक ये क्रोमोजोम है, अगर अपना ये क्रोमोजोम है, सो ये क्रोमोजोम चाहेगा कि इसका कैरेक्टर आइज में भी दिखे, लिवर में भी दिखे, हार्ट में भी इसके कैरेक्टर दिखे। तो ऐसी कंडीशन में फिर प्रॉब्लम आ जाती है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बिकॉज एक जीन कैसे सारे कैरेक्टर को संभाल सकता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, बीमारियाँ होती है। लाइक एल्बिनिज्म, आपने नाम सुना होगा, एल्बिनिज्म में आइज जो होती है पूरी ब्राउन हो जाती है। ब्राउन आइज कोई अच्छी बात नहीं है, ब्लू और ब्लैक ठीक है, ठीक है। फिर उसका जो लीवर में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीवर में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक हेपेटाइटिस वगैरह, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके हेपेटाइटिस तो होने के और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, अलग अलग है। हार्ट में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की, मतलब जो प्रॉब्लम से जीन्स के वजह से आ जाती है, ठीक है। तो इसके बहुत सी बीमारियां हैं, लाइक फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है, जो अपने बॉडी के अंदर एक केमिकल है फिनाइल एलिनिन, जो होता है फिनाइल एलिनिन, ध्यान देना अच्छे से, फिनाइल एनालिन, ठीक है, याद रखना अच्छे से, फिनाइल एलिलीन। सो इसमें इफेक्ट आ जाता है, इसी की वजह से जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है उसे फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं। ऐसी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया मीन्स कि जो डिप्रेशन या फिर कम होना, ब्लड की कमी, ठीक है, ये होता है एनीमिया। सिकल सेल मतलब क्या? जो ब्लड के सेल होते हैं वो कुछ ऐसे राउंडेड और ओवल शेप में होते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये क्या हो जाते हैं? पूरे एकदम सिकुड़ जाते हैं, यानी श्रिंक हो जाते हैं, कुछ ऐसे ये सेल हो जाते हैं, ऐसे यहाँ से इनका ऐसा कन्वर्जन हो जाता है। सो इसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये भी किसकी वजह से होता है? प्लियोट्रॉपी की वजह से। मतलब अगर सपोज कोई हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, सो एक ही हीमोग्लोबिन का कैरेक्टर बहुत सारे सेल्स के कैरेक्टर को कंटेन करने की कोशिश करता है, तो फिर जो स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाता है और ये रियल स्ट्रक्चर बनने के बजाय ऐसे हाफ स्ट्रक्चर ही बन पाते हैं, ठीक है। सो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? सिकल सेल एनीमिया की। और एल्बिनिज्म, ये भी नॉर्मली एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। चलो एक क्रॉस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो, यही प्लियोट्रॉपी का, कि मान लो आपके सामने एक HBS है जो ये सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड एक आपके सामने कोई भी जीन है, और HBA ये नॉर्मल जीन है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और यहाँ पर भी देख लो एक सिकल सेल कैरियर है, ये भी नॉर्मल, और यहाँ पर भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। चलो तो कैसे सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा एक सिंगल जीन, वो हमें अभी उसे समझना है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं अभी अच्छे से। ये जो नॉर्मल वाला है, अगर नॉर्मल वाला नॉर्मल के साथ क्रॉस करेगा तो देखो यहाँ पे नॉर्मल वाला ही आएगा, बट अगर देख लो यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम कर देगा, सिकल सेल कैरियर बना देगा। कैरियर मतलब कि आपको ये बीमारी है, भले आप स्प्रेड कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो, वो आपकी बात है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। कैरियर मतलब वो, मतलब ये कि सिकल सेल वाले कैरेक्टर ये अपने पास रखा है, भले ये इसकी आगे की जो जनरेशन आएगी उसमें डोमिनेंसी हो वो, या फिर ना हो, या फिर ये सप्रेस हो जाए, यानी रिसेसिव बन जाए। यानी कि सपोज कोई अगर मेल है और उसको मान लो कि अगर सपोज उसको सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, बट देखो कैसा है, सपोज एक HBA है और HBS है, ठीक है, जो कि इसे, इस मेल को इसके पेरेंट्स से मिले थे, बट अभी फिलहाल इसके अंदर HBA कैरेक्टर डोमिनेंट है, मतलब इस इंसान को सिकल सेल एनीमिया नहीं है। क्यों? क्योंकि HBS जो है तो इसके अंदर, बट ये सप्रेस है, ठीक है, सप्रेस्ड हो गया है, रेसेसिव है, बट ऐसा तो हो सकता है ना कि जो इसके आगे की जनरेशन आएगी उसमें ये वाला जनरेशन जाके क्या हो जाए? राइज हो जाए, डोमिनेंट बन जाए, तो आगे तो प्रॉब्लम करेगा ना। मतलब अगर एक बार HBS यानी कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड या फिर कोई भी एक ऐसा जीन्स आ गया जो कि इन्फेक्टेड है और उसने दूसरे जीन्स को कंट्रोल करना चाहा, यानी कि वो खुद जो जीन है अपने कैरेक्टर को अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग जगह एक साथ कंट्रोल करने को ट्राई करेगा, ठीक है, एक ही जीन है और अलग अलग पोजीशन में अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, समझा कि नहीं? तो ऐसे इम्पॉसिबल है, बिकॉज वन जीन वन ट्रेट यानी वन कैरेक्टर ही होना चाहिए, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सो अगर ऐसा इनहेरिटेशन हो जाता है, यानी कि ऐसा इनहेरिटेंस अगर हुआ कि जो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया वाला HBS जो है ये सिकल सेल एनीमिया का है, ये वाला जीन, अगर ये जीन एक साथ बहुत सारे सेल्स के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है या इनहेरिट होता है तो फिर सामने वाले चाइल्ड में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये HBS इन्फेक्टेड है, ये HBA नॉन इन्फेक्टेड है, अगर इन दोनों में क्रॉस हुआ तो देखो यहाँ पे इन्फेक्टेड वाला ही आ रहा है, समझना कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे HBS क्या होगा? सप्रेस हो गया, ये कंट्रोल कर रहा है नॉन इन्फेक्टेड वाले को। ऐसे ही देख लो यहाँ पर भी ये नॉन इन्फेक्टेड वाला, और देखो यहाँ पे ये इन्फेक्टेड वाला अगर क्रॉस हुआ तो भी देखो यहाँ पर है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। अगर आप एक अच्छे वाले को और एक दूसरे वाले को, अगर इन्फेक्टेड को आप क्रॉस करते हो, सो ये क्या करेगा? ये उसे इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, यानी कि ये सारे जीन्स को जो यहाँ पे कर क्या रहा है HBS, ये दूसरे जीन्स को भी अपने कैरेक्टर से कंट्रोल कर रहा है। इसी को प्लियोट्रॉपी कहते हैं, यानी कि एक जीन्स अपने को तो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है पर वो दूसरे को कंट्रोल करने जा रहा है। सो इसी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाती है, समझा कि नहीं अच्छे से? यही होता है अपना प्लियोट्रॉपी का कंसेप्ट, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ अभी देखते हैं क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस अब यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि मेंडेल ने नॉर्मली 1800 कुछ 60 वगैरह में अपने सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर 4th चैप्टर है और वो समझना है तो आपको ये आना चाहिए। तो देखो 1860 में यहाँ पे मेंडेल ने बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म की, फिर उसके बाद क्या हुआ कि और जब उन्होंने उस टाइम पे परफॉर्म किया था तो इनका कुछ 1900 में इनका जो भी एक्सपेरिमेंट था ये दुनिया को पता चला। इनको क्यों 40 इयर्स लग गए? बिकॉज कोई भी कम्युनिकेशन का सिस्टम ही नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम था नहीं तो ज़्यादा इनकी जो नॉलेज थी स्प्रेड नहीं हो पाई। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्प्रेड हुई और पता चली लोगों को। ठीक है, ये एक चर्च में काम किया करते थे और उस चर्च से फिर बहुत सारी नॉलेज सबको पता चली कि भाई 40 इयर्स पहले ये इंसान ने ऐसा किया था। और फिर सोचो इनके मरने के 40 ईयर बाद इनके काम को दुनिया ने जाना और पता चला और उसके बाद इन्हें नोबेल जो भी पुरस्कार जो भी होता है वो सारी चीज़ें इन्हें मिली। ठीक है, वो बात की बात है। बट क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं था, मैक्रोस्कोप कुछ भी नहीं था अपने पास। ठीक है, क्योंकि जीन्स को और क्रोमोसोम्स की स्टडी करना है तो अपने पास माइक्रोस्कोप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर धीरे धीरे बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ये इनका साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ह्यूगो HUGO ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की और इन्हें पता चला, इन्होंने बहुत सारी क्रोमोसोम्स के बारे में बताई भी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद इनके बाद और आए सुटॉन करके साइंटिस्ट आए। ठीक है, सुटॉन है। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट आए इन्होंने इनके जो स्टडी थी उन्हें स्टडी की। ठीक है, सुटॉन एंड बोवरी दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में स्टडी की। ठीक है, और इनकी थियरी को दुनिया को बताया कि इन्होंने ऐसा किया था, जबकि इन्होंने कुछ डिस्कवर नहीं किया। इन्होंने जस्ट बताया कि दुनिया में ये चीजें जो मेंडल ने ऑलरेडी बताई है वो ये चीजें हैं। ठीक है, तो मेंडल ने बताया क्या था? मेंडल ने बताया था कि अपने जो ट्रेट्स हैं, अपने जो कैरेक्टर्स हैं, कोई तो एक फैक्टर है जो कंटेन करता है। समझा क्या? यही चीज़ मेंडल ने बताई थी। यानी कि जो अपने आइज़ का कलर है वो ब्लू होता है या ब्लैक होता है, कलर ऑफ स्किन जो भी है, अपने दिखने का जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें जीन्स के अंदर होती हैं और जीन्स के अंदर ऐसी कोई तो चीज़ है जो इन कैरेक्टर को कंटेन करती है। बट वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ इन्होंने मेंडल ने बोला था फैक्टर, उसे हम फैक्टर कहेंगे। ठीक है, बट आगे जब स्टडी की गई और अपने बॉडी के अंदर से क्रोमोसोम्स, जीन्स को सबको निकाला गया, माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया गया और बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई किया गई बहुत सारी चीज़ों को, तो पता क्या चला कि अपने बॉडी में क्रोमोसोम नाम की एक चीज़ है और वही उस फैक्टर को जिसे मेंडल ने बताया था उस फैक्टर को ये क्रोमोसोम क्या करता है अपने अंदर कंटेन करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब आपको सारी स्टडी कंप्लीट दिमाग में बैठ गई होगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सो ये यहाँ पे सुटॉन एंड बोवरी ने इसकी स्टडी की थी और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना अपना, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर लाइकली चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो याद रखना, यानी कि वो जो फैक्टर वो कुछ और नहीं, वो DNA है और RNA है जो कि अपने न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अपने सेल के न्यूक्लियस में होता है। माइक्रोस्कोप के थ्रू सुटॉन और बोवरी ने ये सारी चीज़ें पता की। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि जो भी डिप्लॉयड चीज़ होंगी ये हैप्लॉयड बनेंगी और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इनका डिप्लॉयड ऐसी चीज़ फिर से कंबाइन होगा। सो ये प्रोसेस मियोसिस सेल डिवीजन से चलते ही रहता है। तो जब सारी चीज़ें आप टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टोरी के साथ आपको अच्छे से लिंक किया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो मेंडल ने बताई थी इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। यही था लॉ ऑफ मेंडल का जो भी था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे आप जरूर पूरा वॉच करना, 1 से 2 बार आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।